नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। खबर एक बार फिर उत्तर प्रदेश से आ रही है, यूट्यूबर्स और वेबसाइट ओनर्स के लिए। खबर ना कहें, अफवाह कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट्सएप पे एक मैसेज फिर से वायरल हो रहा है कि जितने भी यूट्यूब चल रहे हैं या फिर वेबसाइट चल रही हैं, उनको फेक वेबसाइट कह रहे हैं, फेक न्यूज़ मीडिया कहा जा रहा है, उनके ऊपर अब लगाम कसी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है उस मैसेज के अंदर कि सूचना प्रसारण मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि फेक न्यूज़ चलाने वालों पर लगाम कसी जाए, उन्हें बंद किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक इस खबर में कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसी कोई सूचना हमारे पास है नहीं, और इसको एक तरीके से आप कहें तो बंद किया भी नहीं जा सकता। आप इस विषय पर हमारा एक वीडियो देख सकते हैं कि भारत में यूट्यूब और वेबसाइट्स जो चल रहे हैं उनको आखिर सरकार रोकती क्यों नहीं है। इस मैसेज के अंदर कहा जा रहा है कि केवल वही लोग इसको चला सकेंगे, न्यूज़ वेबसाइट्स को और यूट्यूब्स को, जो RNI और MIB से रजिस्टर्ड हैं। हो सकता है ये कमिंग फ्यूचर में ऐसा आदेश आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसा नहीं है। अभी जितने भी यूट्यूब और वेबसाइट्स, न्यूज़ मीडिया चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया चल रहे हैं, उनको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने अगर नियम कायदों के अनुरूप चल रहे हैं, आप मीडिया के लॉ एंड एथिक्स का पालन कर रहे हैं, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो न्यूज़ वेबसाइट्स के नाम हैं, जैसे मैं अगर नाम लूँ तो द वायर है, हिंट है, हूट है, जो फेक न्यूज़ के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, समाचार दे रहे हैं, तो अगर उनको रोक दिया जाएगा तो फिर मीडिया की आज़ादी या फिर सही खबरें कहाँ से आएंगी हमारे पास। बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकार जिन्होंने न्यूज़ मीडिया छोड़ दिया, जहां उनके ऊपर कुछ इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे जो वो सही बात को उठा नहीं पाते थे, तो उन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। इवन के पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, आप देखिए, वो अपने यूट्यूब के माध्यम से खबरों को दे रहे हैं। अभिसार जी अपने यूट्यूब के माध्यम से खबरों को दे रहे हैं, तो क्योंकि वो तो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनका तजुर्बा है, तो इसलिए उन्हें तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होती फील्ड में जाने पर कि आप कहाँ से हैं। लेकिन जो नए यूट्यूबर्स होते हैं या फिर न्यूज़ देने वाले लोग होते हैं, वेबसाइट ओनर्स होते हैं, उनको और उनके रिपोर्टर्स को ये समस्या होती है कि उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से रजिस्टर्ड हैं। तो उनके पास में ये जो ऑप्शन है, हमारे पास, हमसे जुड़ सकते हैं, वो दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो अपना अखबार RNI से रजिस्टर्ड करा के चलाएं, लेकिन RNI भी अब बहुत सख्त हुई है टाइटल देने में, तो ऐसा अगर करने में मुश्किल फेस करें तो आप हमारे साथ भी जुड़ के काम कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात हम फिर से उस फेक और वायरल मैसेज की करते हैं। इसके अंदर जो कहा जा रहा है उस पर आप ज़्यादा चिंता ना करें। एक और, अब मैंने एक वीडियो देखा कल YouTube पे रिसर्च करने के दौरान, एक वीडियो सामने आया, वो भी RNI रजिस्ट्रेशन और वेब पोर्टल रजिस्ट्रेशन से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने, एक सज्जन हैं जिन्होंने एक वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो YouTube पर ऐसा कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि वेबसाइट और YouTube, इनको रजिस्ट्रेशन की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है, इनके लिए सरकार ने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। ये बात सच है, मैं इसको पूरे रिसर्च के साथ कह सकती हूँ, ये सच है। अभी डिजिटल मीडिया का एज ए मीडिया कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसका रजिस्ट्रेशन आप एक कंपनी के तौर पे करा सकते हैं। लेकिन उन सज्जन ने जो रिसर्च किया, उनका थोड़ा ज्ञान अधूरा रहा, उन्होंने रिसर्च जो कर लिया वो अखबारों के बारे में और मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों के बारे में कर लिया, मान्यता प्राप्त समाचार पत्र के जो प्रकाशक पत्रकार होते हैं उनके बारे में कर लिया। उन्होंने कई वेबसाइट्स खोली जिसपे डिस्प्ले किया कि वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन आप RNI में जाके करा सकते हैं, वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन आप जाके PIB की वेबसाइट पर करा सकते हैं, वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन आप अपने PRD यानी कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो हर प्रदेश में अपने अपने होते हैं, मीडिया विभाग के लिए होते हैं, वहाँ जाके करा सकते हैं। लेकिन वो बहुत कंफ्यूजन में थे, और इससे आप लोग भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे, अगर आप कभी उनका वीडियो देखें तो कंफ्यूज ना हो। वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कभी भी मीडिया के तौर पे नहीं हो रहा है अभी भारत में। इसको आप एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसको आप उद्योग आधार में करा सकते हैं, जो हमने एक वीडियो में पहले समझाया है, एक फर्म के रूप में, एक कंपनी के तौर पर या फिर पार्टनरशिप के तौर पर आप अपने जो आपका वेंचर चल रहा है न्यूज़
पोर्टल या फिर वेबसाइट या फिर यूट्यूब चल रहा है उसको आप वहाँ पे रजिस्टर्ड कराएं, तो आप एक कंपनी के तौर पे काम कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। मीडिया के तौर पे अभी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्होंने बताया कि RNI देता है, तो RNI अखबारों को देता है, यूट्यूब वेबसाइट को नहीं देता है। उन्होंने सेकंड नंबर पे PIB खोली, PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है, इसके माध्यम से, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से सरकार जो अपनी खबरें होती हैं, मंत्रालयों की खबरें होती हैं, उनको हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू भाषा में अखबारों को देने के लिए ये वेबसाइट का उपयोग होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने के लिए इस वेबसाइट पर जाया जाता है। यहाँ से जो एक पूरी प्रोसेस होती है PIB की, जिसमें प्रेस एक्रेडिशन यानी मान्यता प्राप्ति के लिए जो है पत्रकार आवेदन करते हैं, उसके उसूल, उसके कानून बड़े कड़े हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो है, और भी विस्तार से हम वीडियो बना के आपके लिए डाल सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे भी वेबसाइट का इम्पैनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अलावा वो तीसरे नंबर पे उन्होंने दिखाया कि PRD डिपार्टमेंट्स, आपको बताएं कि हर राज्य का अपना एक सूचना विभाग होता है, जिसमें अखबार और मान्यता प्राप्त पत्रकारों का पंजीकरण होता है यानी रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता वहाँ से। इस बात को आप जरा ध्यान से सुने, क्योंकि वहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पत्रकारों का होता है, या फिर जैसे सरकार विज्ञापन जारी करती है तो वो दो माध्यमों से करती है, एक DAVP की वेबसाइट के माध्यम से करती है जहाँ नेशनल लेवल के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, और राज्य सरकारें भी अपने अपने राज्य की खबरों को अखबारों को देती हैं, तो वो भी इम्पैनलमेंट करती हैं अखबारों का। और अब क्योंकि न्यू मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, अभी यूट्यूब जियो के आने के बाद, और अभी GB आने की बातें चल रही हैं, तो ये और भी बड़े स्तर पे जाएगा, इससे जितने लोग ज़्यादा जुड़े हैं उनको सरकार को सूचना देने में आसानी होती है। इसी लिहाज से सरकार ने क्या किया कि वेबसाइट्स का भी इम्पैनलमेंट शुरू किया। अब वेबसाइट, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो न्यूज़ मीडियम ही हो, उनके लिए सारी वेबसाइट जिनके ऊपर बहुत सारे पाठक आते हैं वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विज्ञापन लेने के लिए, मीडिया की हैसियत लेने के लिए नहीं, विज्ञापन लेने के लिए, तो वहाँ वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर DAVP में अगर आप वेबसाइट इम्पैनलमेंट कराना चाहते हैं कि आपको भी विज्ञापन मिले, तो उसका एक क्राइटेरिया है, वो काफ़ी टाइट क्राइटेरिया है, उसको गूगल Alexa रैंकिंग से मापा जाता है, और भी जो रैंकिंग साइट्स हैं उससे मापा जाता है, मिनिमम 2.5 लाख आपके विजिटर हो, उससे कम आपका कोई काम नहीं, तब भी आप 3 कैटेगरी हैं, तब सी कैटेगरी में आपका इम्पैनलमेंट होता है, और भी बहुत सारे उसमें रूल्स हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो वेबसाइट इम्पैनल्ड हो जाती है उनको विज्ञापन मिलते हैं। इसमें खाली न्यूज़ की वेबसाइट नहीं है, shaadi.com जैसी वेबसाइट और अन्य वेबसाइट, व्यावसायिक वेबसाइट जैसे 99acre.com, ये भी ऑलरेडी वहाँ पे इम्पैनल्ड है। तो वेबसाइट को सरकार अपने प्रमोशन के लिए प्रयोग कर रही है, उन्हें मीडिया का रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई। अगर आपको इसके विषय में और अधिक जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमारे बारे में और अधिक जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.leadindiagroup.com और www.leadindiapublishersassociation की जो वेबसाइट है वो है www.lipa.co.in, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बाकी आप जब भी संपर्क करेंगे हमारा फ़ोन उठाया जाएगा। अच्छा होगा कि आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बात करें, रविवार को यानी संडे को ऑफ रहता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।